गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ छोटे पतले एंड हल्के बालों के लिए ब्यूटीफुल सा फ्रेंच बन हेयर स्टाइल। तो छोटे पतले एंड बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है, बेबी हेयर्स है, तो अक्सर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आती है बन हेयर स्टाइल बनाने में, या फिर बना भी लो तो बहुत सारे हेयर्स निकल जाते हैं। तो उसके लिए आप ये सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो जो कि एनजो का है और बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से हेयर्स को होल्ड करता है, बालों को होल्ड करता है एंड लॉन्ग लास्टिंग तक इसका असर रहता है। तो मुझे बहुत पसंद आया। ये ख़त्म होने वाला है, मैं दोबारा ऑर्डर करूँगी। और एक मेरे व्यूवर्स ने पूछा था कि मैम जिसे आप हेयर फोल्ड कर रहे थे उसका क्या नाम है, तो डियर मुझे भी इसका नाम पता नहीं है। मैंने इसे मीशो पे हेयर स्टाइलिंग टूल्स डाला था तो मुझे ये दिखा, तो जिससे मुझे पता था इसके बारे में कि इससे हेयर स्टाइल बनाई जाती है, बट इसका नाम मुझे भी नहीं पता है। तो मैंने ये हेयर स्टाइल टूल बोल के ही ऑर्डर किया था। तो आप हेयर स्टाइल टूल ऑर्डर डाल के ऑर्डर कर सकते हो और आप इसको ले सकते हो। तो आज का टॉपिक है पतले हल्के छोटे बालों के लिए फ्रेंच बन हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। बहुत ज़्यादा बेबी हेयर है, कर्ली हेयर है इनके, जिनके मैं बना रही हूँ। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा अच्छे से समझने के लिए, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और इंस्टा आई डी PreetiBhai24 है, वहाँ पर मैं अपनी रील्स वीडियोज अपलोड करती रहती, तो प्लीज़ जाके चेक फॉलो कर लीजिएगा। एंड सेकंड चैनल है ड्रेस डिजाइनर प्रीत तिवारी, तो वहाँ पे भी जरूर जाइएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सारे बालों को एक साथ लेंगे और जितने भी बेबी हेयर्स हैं उनको सेटिंग स्प्रे की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद से सारे बालों को एक साथ होल्ड करेंगे एंड ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद से इसको हल्का सा ऊपर की तरफ से इस तरीके से पुल करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो फ्रंट का लुक है वो भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा और बालों में एक वॉल्यूम दिखेगी, जिससे कि आपको बैक से एंड फ्रंट से दोनों साइड से लुक अच्छा आएगा। अब थोड़ा सा हेयर रोल एंड स्कैल्प के हेयर के साथ यूपिन को लेते हुए इस तरीके से लगाना है, जिससे कि आपका जो हेयर है, हेयर स्टाइल है, वो अच्छे से टिका रहेगा। ओके, दो तीन यूपिन लगा देंगे क्योंकि बाल काफ़ी हल्के हैं, जिसके वजह से ये नीचे की तरफ सरक सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे बेबी बॉबी क्लिप्स का भी यूज कर सकते हो, जिससे कि और भी अच्छे से आपके हेयर जो हैं वो होल्ड हो जाएंगे। उसके बाद से जितने भी बचे हुए हेयर हैं उनको अच्छे से ट्विस्ट करेंगे और सारे बालों को एक ट्विस्टिंग को रोल के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करते हुए पूरा ट्विस्ट जितना भी हेयर था उसको हाइड कर देंगे और अच्छे से रोल बना लेंगे एंड यूपिन की मदद से फिर से इसको सेट करेंगे। आप अगर आपके बाल इस तरीके के हैं, बहुत पतले हल्के हैं, तो यूपिन से मेरा यहाँ पे बहुत अच्छे से सेट हो गया था, बट आप पहली बार बना रहे हो तो आप बॉबी क्लिप्स का यूज कीजिएगा। देखिए इस तरीके से भी आप छोड़ सकते हो, अगर सिंपली आपको छोटी मोटी पार्टी है या अगर शादी वगैरह है तो आप इस तरीके के रोज़ फ्लावर वाले यूपिन्स आते हैं, ये मार्केट में आपको आराम से 150 तक में मिल जाएगा। ऑनलाइन ये महंगे आते हैं, बट मैंने दुकान से लिया था तो मुझे सस्ता पड़ गया था। तो मैं दोनों साइड इस तरीके से फ्लावर वाला यूपिन लगा रही हूँ, क्योंकि इनका जो हेयर था काफ़ी पतला था, जिसकी वजह से दूसरी साइड से यूपिन बड़े बड़े थे, निकल जा रहे थे, इसलिए मैंने उनको हाइड करने के लिए दूसरी साइड भी यूपिन लगाया। आप सिर्फ एक साइड लगाओगे इसको और भी पास पास करके तो और ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो ये देखिए इस तरीके का लुक आया है, जो कि पार्टी वगैरह में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे और बहुत इजीली आप बना लोगे पतले हल्के छोटे बालों पे। तो आज का हेयर स्टाइल था ये, और आपको कैसा लगा ये फाइनल लुक हेयर स्टाइल का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखनी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर ट्राई कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की हेयर स्टाइल की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। तो सेटिंग स्प्रे मैंने दोबारा मार दिया ताकि जो भी बेबी हेयर है वो निकले नहीं, और उसके बाद से मैं कॉम से एक बार इस तरीके से बालों को फ्लैट कर ले रही हूँ। तो अच्छे से सेट करने के बाद से हेयर स्टाइल का जो फाइनल लुक था वो इस तरीके का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और कल की वीडियो भी काफ़ी अच्छी अच्छा देखा आप लोगों ने, अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
कि आप लोग को ये हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो और इस टाइप के हेयर्स में बहुत दिक्कत होता है हेयर स्टाइल बनाना, तो इसके लिए भी मैंने इसी इनके हेयर पे ही बहुत सारी हेयर स्टाइल की वीडियोज डाली हुई हैं, तो प्लीज़ आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। कल भी मैंने इनके हेयर पे 5 Party Wedding 1 हेयर स्टाइल बताया था, जो कि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ कुछ इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि उस पर अमेजिंग हेयर डिजाइनर ड्रेसेस की वीडियोज़ मैं लेकर आ पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइज।